Subscribe and press the bell icon for latest update. हर किसी को यात्रा करने और नए स्थानों को देखना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो सफर के दौरान आपको खास ख्याल रखना होगा। ऐसा ही खास ध्यान अस्थमा के मरीजों को भी रखने की जरूरत होती है। अस्थमा के मरीजों को नई जगहों पर जाकर यात्रा करने से कुछ गंभीर समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप उचित देखभाल और थोड़ी सी सावधानी से अस्थमा होने के बावजूद सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते हैं और इससे आपके आनंद में भी कोई खलल नहीं होगा। जानिए आपको करना क्या होगा। नंबर एक, अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो उस समय आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हवाई जहाज में सूखी हवा लगती है और इस सूखेपन को दूर करने के लिए आपको बहुत सारा पानी पीते रहना चाहिए। नंबर दो, अगर आपका अस्थमा गंभीर या फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो आपको आपातकालीन उपयोग के लिए एक नेबुलाइजर लेना पड़ सकता है। नंबर तीन, होटल का कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपके कमरे में धूल के कण है तो यह अस्थमा के मरीजों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। नंबर चार, अगर आप सफर में हैं तो आपको तला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तला हुआ खाना अस्थमा रोगियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए ये टिप्स आयुर्वेद और नेचर से जुड़े हैं। क्योरेन ही आयुर्वेद है, इसलिए क्योरेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.